नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हम आपको आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है, बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड के बारे में, और एग्ज़ाम कब है और क्या क्या सिलेबस तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसकी वीडियो भी मैंने सिलेबस वाली पहले बना दी थी, वो देख लिया होगा। अब तो बस एग्ज़ाम कुछ दिन ही बचे हैं और एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। आप कैसे एडमिट कार्ड देखना, सेंटर कहाँ पर आया आपको, आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जाने के बाद में आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपका या तो मोबाइल नंबर या लॉगिन आईडी जो फॉर्म प्रिंट के समय दी होगी या पासवर्ड जो बनाए होंगे उस टाइम पे, वो पासवर्ड लगा के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद में आपको कैसे क्या शो होगा वो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आईडी और पासवर्ड, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप लगा देते हो तो उसके बाद तीन ऑप्शन आपको शो होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीएसटीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और आप इसको देख रहे हैं, और इसमें है एप्लीकेशन फॉर्म, माय एप्लीकेशन में, और प्रीव्यू में, प्रीव्यू फॉर्म एग्ज़ाम एडमिट कार्ड प्रिंट पे। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही काम आएंगे। ये एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद में आपको एक और विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने पर आपको एप्लीकेशन आईडी दिखाई देगी और प्रोग्राम नेम प्री DELL और रोल नंबर आपको शो हो जाएगा, और सिटी जो आपकी करौली है, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पर। और एडमिट कार्ड देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। इसमें आपको एडमिट कार्ड है और इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम डेट है आपकी 28 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम लगने वाली है। और समय है इसका 2 बजे से 5 बजे तक, एक ही रहेगा समय सभी का। और ये एग्ज़ाम सेंटर का नेम है और ये एग्ज़ाम सेंटर के जो हेड और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो ध्यान रखने के लिए आपको ये जो नीचे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। आपको OMR शीट कैसे फिलअप करनी है इसकी मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। उसमें ही सबसे बड़ी गलती होती है, जो OMR शीट होती है उसके अंदर आपको गोला करने, रोल नंबर डिटेल्स डालना, वो किस प्रकार से करने होते हैं, उसमें आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो और आपका नुकसान हो जाता है उसके अंदर। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो बिंदु हैं आपके 11, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें एक, और इसको पढ़ के ही जाए। इसमें आईडी प्रूफ और जो पेन है वो कैसे ले जाना है, ये कई छोटी छोटी बातें हैं जो इसको आपको ध्यान में होना ज़रूरी है, और इसको पढ़ के ही आप जाएं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है आप ये देख सकते हैं, और फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो अपना रोल नंबर या फिर अपना मोबाइल जो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है उसको हम भेज सकते हैं और हम आपको निकाल के सेंड कर देंगे। इसी तरह की आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए मैं डिजिटल सेवा विद बीपी सिंह यूट्यूब चैनल, और हम आपको इसी तरह की जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और हमें भी मोटिवेट मिल सके।